दोस्तों, अगर आपके बियर्ड नहीं आ रहे हैं, अगर आप मिनोक्सिडिल यूज कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। जो जो चीज़ मैं यूज किया हूँ, जो जो अपने साथ मैंने अप्लाई किया है, इस वीडियो में पूरा मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो एंड तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगी और आपको भी एक बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। देखिए, इस समय मैंने कोकोनट ऑयल लगाया है, आपको दिख रहा होगा मेरा पूरा जो बियर्ड एरिया है वहाँ पर ऑयली टाइप दिख रहा होगा। और यहाँ पर मैंने बियर्ड को शेविंग कराए हुए लगभग आज 1 महीना कम्प्लीट हो गया और मेरी दाढ़ी तुरंत आ गई है। कितने लोगों को जो है कि दाढ़ी आती नहीं है शेविंग कराने के बाद। जी हाँ दोस्तों, जो लोग मिनोक्सिडिल यूज करते हैं और सोचते हैं एक बार मैं भी अपने बियर्ड को साफ करा देता हूं, तो उनकी बियर्ड चली जाती है, नहीं आती है। देखिए लोग गलती क्या करते हैं, जब उनके मिनोक्सिडिल से बाल आए हुए होते हैं तो बहुत कमज़ोर होते हैं, पतले पतले होते हैं, और आप इसमें देख सकते हैं मेरे मोटे हो गए हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, तुरंत शेविंग करा देते हैं और जड़ से जो है बेबी हेयर्स ही चले जाते हैं, और कितना भी मिनोक्सिडिल लगाते हैं उनके बाल वापस नहीं आते हैं। ये गलती आपको तो पहले नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात देखिए, अगर आप मिनोक्सिडिल यूज करते हैं तो सुबह में आपको कोकोनट ऑयल ज़रूर लगाना है मुँह धो के, ठीक है। और यहाँ पर आपके ड्राइनेस वगैरह भी चले जाते हैं। और दूसरी गलती आप लोग, तीसरी गलती क्या करते हैं, देखिए जब मिनोक्सिडिल आप लोग लगाते हैं तो तुरंत चले जाते हैं बाहर, और वहाँ पर आपको तेज़ धूप भी लगती होगी और हवा भी लगता होगा। इससे क्या होता है दोस्तों, आपके मिनोक्सिडिल जितने गाल में रहते हैं दोस्तों, वो एक्सपायर हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं। आप लोग मिनोक्सिडिल के डब्बे पर देखते होंगे 30 डिग्री सेल्सियस लिखा रहता है, ठीक है। और आप लोग तपती हुई धूप में निकल जाते हैं और वहाँ पर भी धूल धक्कड़ जो है आपके बियर्ड पर चिपक जाते हैं, इससे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। शायद आप लोगों ने मिनोक्सिडिल गाइड नहीं पढ़ा है कि मिनोक्सिडिल को कैसे फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग आराम से रहिए, केयर से रहिए, अच्छे से फॉलो कीजिए, आपके भी दाढ़ी मेरी तरह आ जाएंगी।